नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, यह है आमड़ा का फल जिसको हम स्पोंडियस कहते हैं। ये स्पोंडियस का फल, आमड़ा का फल बहुत अच्छा, बहुत मीठा। ये बिलती आमड़ा है, यानी कि ये जो फॉरेन का इम्पोर्टेड आमड़ा का प्लांट, इसको ये ग्राफ्टेड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है देसी आमड़ा का जो प्लांट है, ये स्पोंडियस, ये जो है इसको लेके आप इसके ऊपर ये जो ग्राफ्टेड पोर्शन, ये देखिए प्लास्टिक का पोर्शन लिख रहा है, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है। ग्राफ्टेड पोर्शन देख लीजिएगा, इसका प्राइसेस काफ़ी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आमड़ा लगते हैं। गमले में उगाने के लिए अगर आप देसी उगाते हैं तो गमले में आपका फल आने में 6 से 7 साल लगेंगे। ये देखिए अभी फूल आना लग गया है, अभी शुरू हो गया है फूल आना, और इसका 3-4 महीने में इसमें फल लग जाएंगे पूरे। और आपको हर साल पूरी साल इसमें आमड़ा जो फल है ये भरा रहेगा इसमें। तो ये बहुत अच्छा है, खाने में भी मीठा है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, करीब 100 ग्राम का वजन होता है, और पेड़ भर कर एकदम आपको फल मिलेंगे। तो इसका ग्रो करने का तरीका दिखाता हूँ। ग्रो करने के लिए आपको कम से कम भी 25 लीटर या 50 लीटर का ड्रम चाहिए। इस तरह का प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए, और देखिए इसमें नीचे छेद होना आवश्यक है। देखिए छेद जो है, हम इसके मिट्टी का गमला का टुकड़ा लेके इसको कवर कर देते हैं। इधर एक बड़ा छेद है, इसको भी हम मिट्टी का गमला लेके भर देते हैं। अगर आप चाहे तो छोटे मोटे गमले के टुकड़े देके नीचे के पोर्शन में टुकड़े दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर सॉइल मिक्स हम देख लेते हैं। थोड़ा प्लेन गार्डन सॉइल, कोई भी तरह की आपके गार्डन सॉइल है, प्लेन गार्डन सॉइल, इसकी आप ले लीजिए 60%। ये जो प्लेन गार्डन सॉइल है ये हमने ले लिया है 60%। उसके बाद हम मिला रहे हैं इसमें 40% इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट या काउडंग कॉम्पोस्ट, ये आप मिला लीजिए। और उसमें दो चीज़ और दे रहे हैं हम, इसमें दे रहे हैं 50 ग्राम के करीब ये नीम की खली है। नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, निमाटोड के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी है। तो नीम की खली हम दे देते हैं इसमें करीब 50 ग्राम, और उसमें हम देंगे थोड़ा सा चूना जिसको हम कहते हैं लाइम, ये चूना दे देंगे हम इसमें लाइम, करीब 10-20 ग्राम आप दे दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉइल को मिक्स कर लेंगे। ये आपका सॉइल बन गया। अगर आप चाहे तो कोई भी थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड मिलाना चाहे या फंगिसाइड मिलाना चाहे तो वो भी आप मिला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि चूना हमने मिला दिया है तो फंगस का और बैक्टीरिया का दोनों का प्रोटेक्शन हमारा चूना से मिल जाएगा। ये सॉइल मिक्स बन गया। अब जो है ये ग्रो बैग में है, 6 इंच के ग्रो बैग में है, आप इसको काट लीजिए कैंची से, और इस तरह से काटिए ताकि दोनों साइड से खुल सके। ये देखिए रूट्स प्रॉपर होनी चाहिए, जो जड़े हैं ये टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए हमने निकाल लिया है पूरे पौधे को, हमने ड्राम में इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें फल ले सकें हम, क्योंकि गमले में आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकेंगे लेकिन इसमें फल आपको मिलेंगे नहीं। देखिए इसका हमने एक बेड बना लिया। बेड बनाने के बाद इस पौधे को स्ट्रेट, इसकी जो मिट्टी है हमने हटाई नहीं है, रूट बॉल। दोस्तों ये जो वैरायटी है आप नर्सरी में जाके ले सकते हैं। दोस्तों इसको आप रखेंगे ओपन एरिया में, पहले शेड में रख सकते हैं 2-4 दिन। दोस्तों ये लगाने के बाद आपको इस पर पानी दे दीजिए अच्छी तरह से, और 2 से 3 दिन आपको पानी नहीं देना है। जब पानी बिल्कुल सूख जाए 2 से 3 दिन आपको शेड में रखना है। जब पानी बिल्कुल सूख जाए एकदम, उसके बाद आप पानी दें, हर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आप पानी दें। और इसको छत में भी रख सकते हैं आप आसानी से, या फिर ग्राउंड में भी रख सकते हैं, और आपको देखेंगे 1 साल में ये पेड़ बिल्कुल बड़ा हो जाएगा और भर भर के इसमें आपको फल आएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।